नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज के हैं जो इस बार वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, चाहे वो बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के, ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए बहुत बताना जरूरी था। और ये वीडियो प्रॉपर गेस्ट पेपर के ऊपर है और आप लोग पहले इस बात को सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि गेस्ट पेपर तो हम देते हैं, इस बार भी देने का पूरी उम्मीद है, पूरा प्लान है, लेकिन गेस्ट गेस ही होता है, वो परीक्षा में आए या ना आए, पूरा पेपर आ जाए या कि एक भी सवाल ना आए, ये तो समय पे डिपेंड करेगा और इस बार के पैटर्न पे डिपेंड करेगा। 100 अच्छाई हम करें, 100 वीडियो अच्छा बनाएं, अगर एक पेपर नहीं भिड़ेगा तो पानी पी पी के आप लोग गाली देंगे, क्योंकि इंसान का जहां पे स्वार्थ नहीं पूरा होता है वहां पे उस इंसान को वो गलत बोलना शुरू कर देता है। तो यही बात आपसे कहनी है, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको उम्मीद बांध के रखे हैं और बहुत बच्चे तो इस पे एकदम डिपेंड हो चुके हैं कि गेस्ट पेपर आएगा तो हम पढ़ेंगे नहीं, वही एक दिन पहले हम पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी कमी आपकी है कि आप भरोसे हो चुके हैं। तो पहली बात तो इस सारी गलतफहमियों को आज हम आपके सामने दूर कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि मैं भी इंसान हूं, मान लीजिए कि मैं गेस्ट पेपर दे रहा हूं यार तो बहुत अच्छा आपको लग रहा है, जिस दिन नहीं भिड़ा उस दिन आप ही कमेंट बॉक्स में गाली ही देंगे हमको, सारी चीजें भूल जाएंगे आप कि जो है आपके लिए हमने क्या किया था, क्या नहीं किया था, आप कैसे देख कर आए हैं, हम कुछ करते बढ़ते नहीं, बस आपको सूचना देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि इंसान के लिए 100 काम अच्छा करिए, एक काम गलती से भूलवश गलत हो जाए तो उन 100 अच्छाइयों को भूल करके उसी एक गलती पे सब टारगेट करते हैं, और दुनिया का ये नेचर है। आपको एक बात और बताऊं कि अभी कुछ बच्चे जो इस बार थर्ड ईयर में जा पहुंचे हैं, उनका मैंने फर्स्ट ईयर में वीडियो शूट किया था, एकदम लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, और आज वो मुझसे फोन करके बोल रहे हैं कि मेरा वाला इंटरव्यू जो आपने लिया था वो आप हमको वो डिलीट कर दीजिए। तो अब वो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, सिखाने पढ़ाने में लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने बोला है भैया कि इस 10 सेकंड के बीच में कि हम आपके ही गाइडेंस से यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आए, तो इससे बहुत लोगों को आपत्ति हो रही है, तो उस वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए। जब ये बात उस बच्चे ने मैसेज में लिखी तो मतलब एक होता नहीं है कि मतलब अलग सा ही फील होता है, भाई आप हमको गलत बोलेंगे, आप हमको सही बोलेंगे, आप पीठ पीछे क्या बोल रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं, आप हमारे सामने तो सामने भी बोलेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बोलने वाले बहुत हैं, इंस्टाग्राम की आईडी हैक करवा ले रहे हैं, सबके पीछे पड़े हुए हैं, जीने देना नहीं चाहते। तो बस यही चीजें आपको हम क्लियर कर रहे हैं कि उससे फर्क वर्क कोई पड़ता वड़ता नहीं, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ेगा, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप बुरा बोल रहे हैं, अच्छे लोग भी बोलने वाले, बुरे लोग बोलने वाले। लेकिन जो गेस्ट पेपर पे आपका सबसे बड़ा सवाल है कि गेस्ट का जो मामला यहां पे चल रहा है, तो हम इसकी सारी चीजें आपको बता दे रहे हैं, सवाल तो हम बताएंगे आपको, सवाल ऐसे बताएंगे कि आपको पढ़ने का टेक्निक और तरीका बता देंगे, ऐसा नहीं कि एकदम छाप के ही सवाल आ जाएगा, आएगा भी नहीं भी आएगा, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, तो भरोसे मत रहिए। मैक्सिमम जो बड़े बड़े पेपर हैं, बड़े बड़े का मतलब जो सब्जेक्ट है, वो अप्रैल से स्टार्ट है, ये अभी भी आपके पास बहुत समय बचा हुआ है। समय बचने का मतलब ये है कि अभी भी आपके पास 15 दिन सेफ तौर पे बचा हुआ है, अभी भी अगर आप सजग नहीं हुए हैं तो आप सजग हो जाइए, क्योंकि पिछली बार का जो पैटर्न था वो 80% सिलेबस पे पेपर हुआ था, पिछले 2 साल के पेपर कोविड के टाइम से सिलेबस कटा हुआ था, इस बार पूरा फुल सिलेबस आएगा, यानी कि 100% सिलेबस आएगा। और 2018 और 19 का ही पैटर्न था, 18 का 19 का पैटर्न जिसमें फुल सिलेबस आया था, इसके बाद जो 23 का पेपर 22 का पेपर जो हुआ है वहां पे कर्टेल सिलेबस आया है। तो जो सवाल का रिपीटेशन है, हो सकता है सवाल आए ना, अब एग्जांपल आप समझिए से फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में फर्स्ट ईयर में इंडियन फिलॉसफी में चारवाक फिलॉसफी नहीं थी, इस बार चारवाक फिलॉसफी पूरे सिलेबस में है, तो चारवाक का मेटाफिजिक्स या चारवाक की एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा या तत्व मीमांसा में से एक सवाल आएगा ही आएगा, वो पिछले 2 सालों से नहीं आया क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार वो सिलेबस में है। तो इस तरीके से हम सवाल को गेस नहीं कर सकते कि क्या सवाल पेपर में आपके पूछा जाएगा। मान लीजिए कि कुछ कुछ पेपर तो बहुत क्लियर है कि आ ही जाएंगे, लेकिन बहुत सारे पेपर बहुत मल्टी डायमेंशन तरीके से सवाल रिपीट नहीं हुए हैं, आपने उसको ध्यान से देखा भी होगा, सवाल रिपीट नहीं हो रहे हैं। हिंदी के पेपर के नेचर में बता दूंगा, एंशियंट के पेपर के मैं नेचर बता दूंगा, लेकिन जैसे कि मान लीजिए मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री में आर्ट और कल्चर का जो पेपर है वहां पे सवाल रिपीट ही नहीं हो रहा है कभी, भौगोलिक मतलब आप खुद ही देखिए। तो भरोसे पहली बात तो मत रहिए आप,
वैसाखी वाला काम आप मत करिए। हम जितना हो पाता है उतना तो हम देते ही हैं, लेकिन हमारी भी कुछ अपनी भी मजबूरियां रहती हैं। मान लीजिए गेस्ट हम ना दे पाए, अभी से आप लोग फोन करना स्टार्ट कर दिए, नंबर हमारा पा ही गए आप लोग, तो फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज। बहुत लोग अपने भैया से भी फोन करवा रहे हैं, बहुत लोग दीदी लोगों से फोन करवा रहे हैं कि गेस्ट पेपर मिल जाए, कब देंगे गेस्ट आप। तो दूसरी बात यह है कि आपसे हमको जुड़ने के लिए किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी सीनियर से बोल रहे हैं आपको वो लॉलीपॉप दे रहा है कि हम अभिनव द्विवेदी से आपकी बात करवा देंगे। तो अभिनव से आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, और इतना हमारे पास समय भी नहीं है कि हम इनका सुनेंगे हम उनका सुनेंगे कि दिन भर में हम फोन भी उठाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप हमसे जुड़ने के लिए डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। मैक्सिमम चीजें मैं यूट्यूब पे बता देता हूँ। इसके बाद मेरी आईडी एक हैक ही हो चुकी है इंस्टाग्राम की, दूसरी नई आईडी मैंने अभिनव द्विवेदी 2024 मैंने बनाई है, उस पर मैं आपको मिल जाऊंगा। मेरा एक पब्लिक नंबर है 9452088361। ये पहले टीम के बच्चे यूज करते थे सिर्फ, लेकिन अभी मैं सिर्फ अकेले यूज कर रहा हूँ, तो इस पर भी हम आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे दो नंबर और हैं, उस पर ढूंढते ढूंढते सब आ ही जाते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए, एक बैकअप चैनल भी यूट्यूब का है अभिनव द्विवेदी एक्सप्रेस के नाम से, उस पर मैं कुछ लाइव लूंगा, तो उस चैनल का मैं कमेंट बॉक्स में लिंक आपको पिंड कर दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत बिजी रहता है। यूपीएससी के इंटरव्यू जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं, गेस्ट पेपर पड़ेगा, एससीयूटी के एग्जाम भी आ रहे हैं, तो बहुत सूचना की तरीके से बम्बार्डमेंट इस चैनल पे लगी रहती है, तो उस चैनल पे हम प्रॉपर लाइव लेंगे जो भी लाइव लेना होगा हमको। लेकिन भैया हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, आपसे विनती मैं कर रहा हूं कि अगर अभी भी आप कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागे हैं तो आप जाग जाइए। मैं सवाल दूंगा आपको, मैं बताऊंगा, लेकिन यार हमको भी नहीं क्लियर, हम तो कोई अंदर से बैठे नहीं कि सिस्टम से। और आप पहली बात तो एक बार ध्यान दे दीजिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपका नंबर बढ़वा देंगे, हम आपको पेपर दिलवा देंगे, कुछ मतलब जो भी डिमांड पैसे वैसे की करते हैं, इस तरीके से फ्रॉड करते हैं और यूनिवर्सिटी को जो बदनाम करते हैं कि यूनिवर्सिटी में सोर्स चलता है, ये सारी चीज, पहले तो खुद पास हो जाएं वो, उनसे पूछे कि आपका एडमिशन है कि नहीं है, तो खुद इनका एडमिशन है, उनका एडमिशन ही नहीं मिल पा रहा है और आपसे सोर्स और फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब विश्वविद्यालय में कुछ भी नहीं होता, सब काम लीगल है, सारे काम जो है ऑनलाइन मोड पर है, परीक्षा बहुत पारदर्शी तरीके से होती है, कोई भी सोर्स आज के जमाने में नहीं चलता है। आप पैसा देंगे, आपको बहकाएंगे, तो आप खुद ही उस ट्रैप में फंस जाएंगे, और पैसे से भी जाएंगे और सवाल भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी चीजें हैं मैं सारी चीजें आपको ऑनलाइन क्लियर कर देता हूं। तो दूसरी बात ये भैया कि यार बहुत उम्मीदें हैं आपको, आपके माँ बाप की आपको, आपसे बहुत उम्मीदें हैं यार, अभी भी जाग जाइए। आपके पास नोट्स नहीं है तो बस परेशान मत होइए, मार्केट में सीरीज आ गई है उसको जाके खरीद लीजिए, इंग्लिश मीडियम में तो उसका ट्रांसलेशन कर डालिए, थोड़ा स्नैपचैट इंस्टाग्राम व्हाट्सएप बंद कर दीजिए, थोड़ा दिन तो अब सीरियस हो जाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। और गेस्ट के भरोसे तो बिल्कुल भी मत रहिए यार, यूपीएससी करने आए हैं आप, आपको कुछ बड़ा करना है, बीए का एग्जाम नहीं पास करना है भैया, पढ़ना तो आपको पड़ेगा, वही चीज आप बाद में पढ़ेंगे। और सारे सवालों को आप एक बार एक नजर से देख के जाइए, हम बता रहे हैं हो सकता पेपर ही ना भिड़े, कभी कभी ऐसा भी हुआ है और आपके ही कमेंट आएंगे, फिर उल्टा सीधा आप हमको बोलेंगे, उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं, आप कुछ भी बोलेंगे उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम डिपेंड हो चुके हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं, तो ये गलतफहमी मैं दूर कर रहा हूं, हो सकता है मैं दूं भी ना, ये भी मैं बता रहा हूं कि आप मेरे भरोसे तो बिल्कुल मत रहिए, कब तक भरोसे रहेंगे यार ये बताइए, हमारी भी पढ़ाई लिखाई है, हमको भी पढ़ना लिखना रहता है, गला वैसे ही खराब है, ऊपर से फिर सीयूटी के नए बच्चे भी आ रहे हैं, खुद भी पढ़ना रहता है, अब हमारी भी जिंदगी का बहुत अहम फेज चल रहा है। आप ही लोग बोलेंगे कि यूट्यूब, आप ही लोग कमेंट करते यूट्यूब का वीडियो बनाते रह जाएंगे जिंदगी भर, तो वो लोग जो कमेंट करते वो अपना नहीं देखते, वो हमारा सबसे पहले देखते हैं, तो अपना भी कभी देख लिया करिए। बाकी आप सबके लिए हमेशा हम तैयार हैं, हमेशा हम खड़े हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, और बिल्कुल भी आप एकदम से निश्चिंत रहिए, अभी हम लखनऊ में ही हैं और सारी चीज़ें हम आपको यहीं से ही प्रेषित कर रहे हैं, तो कहीं से भी अपने आप को अकेला महसूस आप नहीं करेंगे, लगातार आप जो है जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बैकअप वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी अपडेट के साथ आप जुड़े रहिए, और
इस तरीके से हम आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर जुड़े हैं। लेकिन भैया यार हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके लिए, आप पढ़ लीजिए, अपने लिए ना सही अपने माँ बाप के लिए पढ़ लीजिए, हमारे लिए पढ़ लीजिए। आप पढ़ेंगे तो फिर हम आधा अधूरा बताएंगे, तब भी आप पूरा लिख कर आएंगे। पढ़िए यार, पढ़ने आए हैं आप यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करने हैं आप, सब कुछ कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, और जो आपको करना चाहिए आप वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं यार। यूनिवर्सिटी जाने का क्या मतलब है? सैटरडे छुट्टी रहती है, शुक्रवार को क्या मतलब है? आप घूम रहे हैं, आप रील्स पोस्ट कर रहे हैं, सारे बच्चों की स्टेटस, मेरे पास 10,000 नंबर सेव है, हमको स्टेटस सबका दिखता है, हम हाइड करके रखते हैं, तो इतना समय भी नहीं रहता कि देखते, लेकिन कभी कभी जिस पे नजर पड़ जाती है वो दिख जाता है। आप खुद से पूछिए कि आप दिन भर क्या कर रहे हैं, अभी भी आप नहीं सीरियस है, आप रोएंगे बैठ करके, मैं बता रहा हूं, परीक्षा के समय आप बैठ के अपना सर पटक के रोएंगे। और पढ़ने वाले बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी भी सीरियस हो जाइए, मैं बार बार कह रहा हूं। आप कुछ भी बोलेंगे मैं डांटूंगा आपको, मैं बोलूंगा, मैं फटकारूंगा, क्योंकि जो मेरा कर्तव्य है मैं अपना कर्तव्य से बढ़ के काम करूंगा। आप अपना कर्तव्य निभाइए, और कर्मण्येवाधिकारस्य मा फले सुखदाचन मा कर्म फले तुभुर्मा माते संगुस्त कर्मणि। कर्म करिए, फल की इच्छा ना करिए। नंबर कितना आएगा कितना नहीं आएगा वो बात की बात है, आप अपने परफॉर्मेंस से संतुष्ट रहिए, ये सबसे जरूरी बात है। इतना बहुत है भैया, तो गेस के भरोसे मत रहिए, पूरा सिलेबस पढ़िए, 100% सिलेबस इस बार आ रहा है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि सवाल कौन सा रिपीट करेंगे, 19 वाला पूछ लेंगे, 18 वाला पूछ लेंगे, ऑड इवन का पैटर्न भी बहुत काम इस बार नहीं करने वाला है, हर एक सवाल में 2-3 सवाल तो हम बिरा लेंगे, लेकिन कुछ कुछ सवाल को हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि इस सवाल पेपर में आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो आप यही वीडियो देख के जाएंगे और पढ़े नहीं रहेंगे, आपका काम खराब हो जाएगा। अभी भी समय है, आगाह कर रहा हूं, पढ़िए, खूब लिखिए, वरना सवाल भी आप छोड़ेंगे, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।